क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हेजिटेशन क्यों होती है, घबराहट क्यों होती है? अक्सर किसी को कुछ बोलना हो या कोई काम करना हो या कोई भी चीज़ क्यों ना हो, शुरू करने से पहले ही हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। जब मैं छोटा था तो अक्सर मुझे स्टेज में जाने से घबराहट होती थी, किसी से बात करने में घबराहट होती थी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें घबराहट और हेजिटेशन होती है, और ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके जरिए हम इस घबराहट को दूर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज में असफल होते हैं तो ज्यादातर टाइम सारी चीजें हमारे घबराहट की वजह से होती है। कोई काम करने से पहले हम घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं कि ये हो पाएगा कि नहीं, और भी कई सारे चीज दिमाग में आने लगते हैं, और इसी वजह से आप कर भी रहे हो फिर भी वो चीज नहीं हो पाता। और आप ही के बीच में कई ऐसे भी लोग होंगे जो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी रहे होंगे, जो कोई भी इंसान क्यों ना हो, किसी के सामने भी आराम से बात कर लेते हैं, कहीं भी कुछ भी बोल लेते हैं, कोई भी काम करते हैं तो वो घबराते नहीं हैं। आखिर वो ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि वो सभी लोग जान चुके होते हैं कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको इसी चीज के बारे में बताऊंगा ताकि आप एक बेहतर लाइफ जी सके और वो बन सके जो आप चाहते हैं, वो कर सके जो आप चाहते हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें घबराहट क्यों होती है, हेजिटेशन क्यों होता है। इसे हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लो आप अभी घर पे गणित के सवाल कर रहे हो, अकेले हो, गणित के सवाल कर रहे हो, क्या आप घबराओगे करने से पहले? नहीं ना, क्योंकि खुद के लिए कर रहे हो। आप डांस कर रहे हो घर पे अकेले, आप इंजॉय करके करोगे। इमेजिन करो आप खुद शीशे के सामने बातें कर रहे हो अपने आप से, क्या बात करने से घबराओगे? नहीं, क्योंकि आप खुद से कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। लेकिन जैसे ही हम किसी और को इन चीजों में लाते हैं वहीं हम घबराने लगते हैं, क्योंकि ज्यादातर टाइम हम किसी भी काम को प्रशंसा के लिए करते हैं कि अगर मैंने ये किया तो मुझे ये लोग वाह वाह देंगे, ये लोग मेरी तारीफ करेंगे, और कई सारे दिमाग में ख्याली पलाव पका लेते हैं, जिसके वजह से होता यह है कि हमें घबराहट होने लगती है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, और हम कुछ करने से पहले ही घबरा जाते हैं। कोई ऐसा इंसान जो हमारे लिए वैल्यू रखता है या किसी के सामने हम जब बात करते हैं तो हम अपना पॉइंट नहीं रखते, इसलिए नहीं रखते कि इन सब के सामने अगर मैंने कोई पॉइंट रखा, कुछ बोला और वो गलत हो गया या कुछ सही से नहीं बोल पाया तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, और भी कई सारे चीज दिमाग में आ जाते हैं, और यही सब कारण है जिसकी वजह से आप घबरा जाते हैं, और भी कई सारे कारण। लेकिन अब से आप नहीं घबराओगे, क्योंकि जो तरीके बताने वाला हूँ उसको बस आपको फॉलो करना है, और देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, क्या बदलाव आता है। नंबर एक, बी फर्स्ट, पहला बने हमेशा। इस तरीके को आप तब अपनाएं जब आप किसी भी काम को करने से पहले घबरा जाते हो या डर जाते हो। आपको करना बस यह है कि जो भी चीज आप सोच रहे हो अभी करने की, उसे एक कॉपी में उसकी पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स लिख लेना है, यानी क्या क्या उस चीज को करते समय अच्छा आपके साथ हो सकता है और क्या बुरा से बुरा हो सकता है, उसे आपको नोट कर लेना है। जब आप नोट करोगे, लिखोगे, तो आप सोचोगे, तो आप देखोगे, पाओगे कि जो नेगेटिव जिस कारण से आप घबरा रहे थे वो कुछ है ही नहीं, बस आपके माइंड का बस एक थॉट था। जब आप इस चीज को समझ लोगे, आपको पता रहेगा कि जिन चीजों की वजह से मैं घबरा रहा हूँ, डर रहा हूँ कि किसी चीज को करने से पहले, तो आप डरोगे ही नहीं। नंबर दो, अगर आप अपनी पॉइंट को ग्रुप में रखने से डरते हो, घबराते हो, लोगों के सामने बात करने से घबराते हो, या स्टेज में जाने से, भाषण देने से घबराते हो, या कोई भी ऐसी चीज जो भीड़ में हो लेकिन आप घबरा जाते हो, तो इस तरीके को अपनाएं। आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट करना है, यानी के ऐसे लोगों से आपको कम्युनिकेट करना है जिन आपको डेंजर टाइप लगते हैं, मतलब जिनसे आप थोड़ा भी घबराते हो। जब मुझे कस्टमर केयर का कॉल आता था, कि आप जानते ही हो कस्टमर केयर का कोई भी हो, चाहे सिम से रिलेटेड हो या D2S से रिलेटेड हो, कोई भी हो, हर बार जो कॉल आता है कस्टमर केयर का कोई डिफरेंट व्यक्ति ही करता है, तो मैं क्या करता था, उनसे बात करने की कोशिश करता था, और जब बात करता था छोटी छोटी चीजें जो प्रॉब्लम होती थी वो पूछता था। इससे होता यह था कि जब भी मैं किसी नए कस्टमर केयर से बात करता था तो मेरा अंदर का जो हेजिटेशन है वो दूर होता था, और जब मैंने इस चीज को बहुत बार किया, कई चीज को अपनाया, तो मैंने देख पाया कि
मेरे अंदर का जो हेजिटेशन है वो जा चुका है। मुझे कभी भी घबराहट उसके बाद नहीं होती थी, चाहे मैं कहीं बैंक जाऊं या किसी कंपनी के ओनर से बात करूं या किसी से भी, मैं आराम से बात कर लेता था। तो अगर आपको बस एक तरीका ढूंढना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करने का, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर बस बातें करने में लगे रहो, मतलब जब भी आप किसी से मिलो या किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो ध्यान रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा उसी कुछ टाइम में ही बातों को रख सको। और जब भी आपको मौका मिले बात करने का, कम्युनिकेट करने का या किसी स्टेज में जाने का कहीं भी, तो आपको घबराना नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ जितने लोग हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता तो सिर्फ आपको, आपको बस अपने आप पे ध्यान देना है। अक्सर जब हम क्लास में पढ़ते हैं या कहीं ट्यूशन जाते हैं या क्लास में होते हैं तो हमें ये डर सताता है कि अगर मैंने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो मेरे क्लास वाले क्या सोचेंगे। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि उनके वजह से आप क्वेश्चन पूछते नहीं हो, पूरी जिंदगी जो आपकी स्कूल लाइफ होती है उसके बाद आपको अफसोस होता है कि काश मैं उस टाइम पूछ लेता, उस टाइम पूछा करता तो मेरे को सारी चीज़ें मुझे पता चल जाती। लाइफ एक बार मिली है, इसे आप लोगों को जीना है, आपको खुद के लिए जीना है, अपनों के लिए जीना है, न कि उन लोगों के लिए जीना जिनको आपके लिए थोड़ा भी 1% भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अक्सर उन लोगों के लिए सोचते हैं कि वो क्या सोचेंगे। आपकी लाइफ है, आपको जीना है, तो आपको हमेशा अपने आप में फर्स्ट रहना है। फर्स्ट का मतलब ये नहीं कि किसी भाग दौड़ में शामिल होना है, अपने लिए होना है। नंबर 3, हमारी पर्सनैलिटी। आप सोच रहे होगे पर्सनैलिटी का मतलब यह है कि बॉडी में हट्टा कट्टा होना या कुछ भी ऐसा, तो बता दूं कि ऐसा नहीं होता। अगर आप पतले भी हैं लेकिन आपको बोलने का तरीका पता है तो यकीन माने हट्टा कट्टा भी इंसान आपके सामने फैल है। और आजकल के टाइम पे सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है इंग्लिश को। अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है तो यकीन माने आप कहीं भी हेजिटेट नहीं होगे। मानता हूँ कि हमारी भाषा मातृभाषा हिंदी है लेकिन हमें कॉन्फिडेंट होने के लिए हमें इंग्लिश भी आना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है तो यकीन मानो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे अपने आप में, कभी भी किसी से घबराओगे नहीं, आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंट आएगा। क्योंकि मैंने इसको समझा है, और मैंने कैसे इंग्लिश सीखा या कैसे मैंने बोलना सीखा, नीचे मैंने वेबसाइट का लिंक दे रखा है जहाँ पर मैंने 3 तरीके आपको बताया है इंग्लिश कैसे सीखा जाए, और वो भी अपने तरीके जिसको मैंने अपनी लाइफ में अपनाया था। कोई भी इस चीज़ को नहीं बताता और मैं आपको बता रहा हूँ, तो वेबसाइट में जाइए और वहाँ पर इंग्लिश कैसे सीखे 100% का एक पोस्ट होगा, उसे देखिए। मेरे इन तरीकों से गाइस बहुत लोगों ने सीखा है, मैंने खुद सीखा है, और मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ इंग्लिश एक भाषा है, लैंग्वेज है, जैसे हिंदी एक भाषा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो एक भाषा है, तो उसी की तरीके से हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने उसमें बताया है आपको, कोई भी पैसे मैंने नहीं लिया है। अगर आप उसे अप्लाई करते तो आप 100% सीखेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको उसे अपनाना है, उसे समझना है, और एवरी डे आपको वो करना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है वेबसाइट का, तो वहाँ जाके उस पोस्ट को जरूर ध्यान से पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे हमेशा। नंबर 4, अपना एक गोल तैयार करें। गोल यानी कि एक टारगेट, एक सपना तैयार करें, वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको समझ में नहीं आता कि मैं, मेरे अंदर क्या ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या है ऐसा जो मैं बन सकता हूँ, तो फिर से वही तरीका अपनाइए जो मैंने बताया था आपको। आपको एक कॉपी पेन लेना है और उसमें वो सारी चीज़ें ख्वाहिशें लिख देना है आपको जो आप ज़िंदगी में आप पाना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, तो आप देखोगे कि कई सारे ऐसी भी चीज़ें होंगी जो आप अभी कर सकते हो, और उन्हें कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। चाहे आपको कोई एक शर्ट पेंट ही खरीदना हो, चाहे एक घर खरीदना हो, चाहे कुछ भी खरीदना हो, चाहे कुछ पाना हो, चाहे कुछ बनना हो, कुछ अचीव करना हो, हर एक चीज़ को वहाँ पर लिखना है आपको। फिर ट्राई करना है सबको धीरे धीरे स्टेप बाय कंप्लीट करने की, तो आपको आपका गोल पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। और जब आप करोगे और आपके विश लिस्ट के आगे जब टिक लगेगा तो आपको एक और कॉन्फिडेंट जगेगा। और हर रोज सोने से पहले कुछ ऐसा काम जरूर करें गाइस, इससे आपके अंदर और तगड़ा कॉन्फिडेंट जाए। तो यही सब चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था और जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। और अक्सर मैं लोगों को बोलता हूँ अगर आप लाइफ में एक कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हैं, लाइफ को एक अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों को जो मैंने बताया उसे समझना होगा। और अगर आपने इसे समझ लिया और अप्लाई कर लिया अपनी लाइफ में, तो यकीन माने आप कभी भी किसी भी चीज़ से घबराओगे नहीं,
आप कोई भी चीज़ काम कर रहे हो, किसी के सामने कुछ बोल रहे हो, अपने पॉइंट रखने से नहीं घबराओगे, अपनी चीज़ों को और अच्छे बेहतर तरीके से करोगे जब आप इसे अपनाओगे। और भी कई सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बता सकता था, जैसे आत्मविश्वास रखें और बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मली हम बोलते हैं लेकिन हम अप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं। अगर ना हुए तो मेरे को प्रॉब्लम बताना कि क्यों नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको सोल्यूशन उसका जरूर दूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर करना। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो मैं अक्सर आपके लिए लाता रहता हूँ। और बेल आइकन के घंटे के आइकन को जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियो तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। और कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू साइंस, विज्ञान, रिलेटेड टू लाइफ, क्योंकि साइंस इज एवरीथिंग, हर एक चीज़ साइंस है, विज्ञान है, तो जो भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में कमेंट बॉक्स में जरूर किया करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में ऐसी अमेजिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।